हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। हैप्पी होली। तो आज मैं लेके आई हूँ होली के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्वीट रेसिपी, और ये बहुत ही जल्दी घर के ही सामानों से बन जाती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा भी ले सकते हो, मैदा से भी रेसिपी अच्छी बनती है। ये मैंने लिया है चुटकी भर नमक, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल। ये मैं ले रही हूँ तेल, यदि छोटी चम्मच से हम माप करेंगे खाने वाली से तो ये 4 चम्मच तेल है। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, मिसल मिसल के आटे को अच्छे से मिलाएंगे। यदि इसमें थोड़ा भी तेल कम रहा तो हम और भी तेल ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें तेल बराबर है तो मैं तेल ऐड नहीं करूँगी। और हम पूरी तरीके से हेल्दी बना रहे हैं इसलिए मैं गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम मिश्रेंगे इसे, इसमें बिल्कुल भी मसूरी ना रहे। और इस तरीके से देखिए हमारा आटा परफेक्ट है, ऐसे मुट्ठी बन रहा है। मुट्ठी में नहीं आए तो हम और भी तेल डाल लेंगे। तो अब मैं ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो इसका आटा गूंदना है हमें जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से। पानी एक साथ में नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके ही आटे में पानी डाले। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आटा गूंद लिया है, ये जैसे हम चपाती का आटा गूंदते वैसे ही। अब इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी बर्तन से ऐसे ढक के रख दे इसे कि इसके अंदर हवा नहीं जाए और इसमें पपड़ी ना आए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं गाढ़ा घी, मतलब थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए घी, जो आग पे मेल्ट करते हैं इतना पतला घी नहीं होना चाहिए। तो मैंने 3 चम्मच घी लिया है, और 2 चम्मच मैंने लिया गेहूं का आटा। यहाँ पर आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो। और इसे अच्छे से हम इस तरीके से फेंट के मिलाएंगे, और देखिए इस तरीके से इसमें गिरने का हो रहा है। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप शक्कर। 1 कप शक्कर में मैं 1 कप ही ले रही हूँ पानी। इसकी हम चाशनी लेंगे, तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं लेनी है, हल्का सा चिपचिपापन आ जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे जो हरी इलायची रहती है उसके अंदर से दाने निकाल के कूट के डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। और इस तरीके से हम इसे पकाएंगे चाशनी को। जैसे ही उबाल पे आ जाएगी तो इसमें चिपचिपापन आ जाएगा और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो देखिए अभी उबाल पे भी आ गई है पहले से। तो चाशनी हमारी तैयार है कि देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो अभी इसमें चिपचिपापन आ गया है तो मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ और आगे का हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आटे को। तो आटा हमारा तैयार है, इसको हम थोड़ा सा मिसल लेंगे अच्छे से। इस रेसिपी को बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लोया लिया है, जितना हम पूड़ी बनाते हैं उतना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इस तरीके से इसको बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने आटा और घी का पेस्ट बनाया था उसको, और पूरे पे ऐसे फैलाएंगे। अब इसे हम इस तरीके से काटेंगे, बीच में से ही कट लगाना है, दोनों साइड से पूरा कट नहीं लगाना है, और दोनों तरफ से छोड़ देनी है। कट लगाते समय ध्यान रखें, नहीं तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है, अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कट लगाने हैं, और सभी को मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है, सभी में ऐसे कट लगा लिया है। अब इस तरीके से हम हल्के हाथ से धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, दबाना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। दबाएंगे तो ये रेसिपी अच्छे से लच्छे नहीं निकलेंगे और चिपक जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, और इसी साइड से निकालना है, खड़ी साइड से नहीं निकालना, जिस तरह से हमने कट किया है उस तरफ से नहीं निकालना है। तो इस तरीके से हम इन्हें घुमाएंगे ऐसे, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खिली खिली। अब हम ऐसे इसे घुमाएंगे हल्के हाथ से, और एक साइड से हम
उल्टा घुमाएंगे, दूसरी साइड से दूसरी साइड में घुमाएंगे, एक साइड से दूसरी साइड में घुमाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से घुमाना है, एक तरफ से अपनी तरफ खींचना है, दूसरी तरफ से एक हाथ से उधर की साइड जिधर फ्लोवर है उधर की तरफ घुमाना है। और इस तरीके से हम जलेबी का शेप देंगे, इसमें जो लास्ट का हिस्सा उसे नीचे की तरफ हम ऐसे दबा देंगे जिससे हमारी रेसिपी खुलेगी नहीं। अब हम इसे हल्के हाथ से इस तरीके से बेलन से दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो ये चिपक जाएगी और अच्छे से रेसिपी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से सभी को बना लूँगी और देखिए कितने अच्छे से बनी है, एकदम बाहर निकल के भी आ रही है। और इतनी साइज़ रखा मैंने, ज़्यादा बारीक पतला भी नहीं करना है, तो इस तरीके से बनाना है सभी को। तो मैंने यहाँ पर सभी बना ली है इस तरीके से, और भी है तो मैं सभी को अब तेल में तल लेती हूँ। यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल मीडियम ही रखना है और गैस को शुरू में बिल्कुल लो रखना है। यदि हम थोड़ा भी तेज़ रखेंगे तो नीचे से फूली फूली हो जाएगी और खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो इन्हें 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। अभी 2 मिनट हो गया है तो मैं इन्हें पलट लेती हूँ। यहाँ पर गैस को बिल्कुल लो रखना है, बीच में थोड़ी देर मीडियम करना है लेकिन हाई नहीं करना है। और इसका हम कलर चेंज कर लेंगे बिल्कुल भी, तभी ये अच्छी लगेगी, नहीं तो चाचनी में डालने के बाद में कच्ची कच्ची लगने लग जाती है। तो इनका कलर हम डार्क ब्राउन कर लेंगे। तो इसे मैं पलट पलट करके ऐसे सेक लूँगी। इसी तरीके से मैंने पलट पलट करके इन्हें अच्छे से पका ली है। और देखिए हम भाई इतना अच्छे से कलर चेंज कर लिया है, इतना पकाना है। थोड़ा भी हम कलर हल्का रख लेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी बाद में। तो अभी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया, इसी तरीके से मैं सभी को बना लूँगी। तो जो बची हुई है उन्हें भी हम इस तरीके से डाल देंगे फिर से, और इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से ये भी पक गई है। आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर बजाएं, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं डालूंगी इन्हें चाचनी में, और मैंने डाल भी लिए चाचनी में और निकाल भी लिए उनको, इसलिए चाचनी थोड़ी कम दिख रही है। तो इस तरीके से हम पलट पलट कर लेंगे इसके अंदर भी, और इन्हें ज़्यादा देर तक चाचनी में नहीं रखनी है, डालेंगे और तुरंत ही निकाल लेंगे। और इस रेसिपी का टेस्ट जैसे मक्खन वड़े रहते हैं ऐसा आता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और घर में सभी मेहमान पूछेंगे कौन सी दुकान से लाए, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और ये कैसे बनाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी रेसिपी बना ली है और बहुत ही खस्ती बनी है ये। और एकदम हम ऐसे हाथ में लेंगे और खाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।